आज हम बनाएंगे ईद के लिए स्पेशल चीजी सी बुलेट्स। जैसा कि आप फोटोज में देख रहे हैं, तो मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। ये बुलेट्स बनाने के लिए देखिए मैंने क्या-क्या चीजें ली हैं। 2 कप मैदा लिया है, 1 कप दूध लिया है, 2 टेबल स्पून बटर लिया है, और आधा चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच यीस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून शुगर लिया है। ये इतनी सारी चीज़ों से मैं इसके बुलेट्स के आटे को गूंदने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ी सीख बुलेट्स हैं, तो सबसे पहले आटा गूंद के मुझे रखना है। तो ये देखिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इस मैदे में मैं ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे गूंद कर 1 घंटे के लिए रख दूंगी राइज होने के लिए। तो इसमें सबसे पहले डाल दी है मैंने नमक आधा चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 चाय का चम्मच यीस्ट, और इन सूखी चीजों को पहले सबसे पहले मिलाऊंगी, उसके बाद इसे मैं दूध से गूंधूंगी। तो ये सारी चीजों को मैं ऐसे मिलाना शुरू कर दिया है मैंने। ये सारी चीजें मिलने के बाद मैं इसे दूध से गूंधूंगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैंने इसे गूंदना शुरू कर दिया है और इसे अच्छा सा डो तैयार करना है मेरे को। जितना दूध लगेगा उतना दूध मैं डालती जाऊंगी। तो आधा कप दूध पूरा लग चुका है, थोड़ा और दूध लगेगा, तो मैंने थोड़ा और दूध डाला है। मतलब टोटल इसमें 1 कप दूध लगा है और मैंने इसे गूंदना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये पूरा आटा दूध से मिक्स होने के बाद मैंने इसके अंदर मस्का डाला है। तो मैंने अभी 1 टेबल स्पून बटर डाला है और उसे मैं इस तरीके से मिलाऊंगी कि पूरा बटर आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा बटर और लेंगे और इसे फिर से इस आटे में मिलाएंगे। मीन्स 2 टेबल स्पून मस्का जो है इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए पूरा। अब इस आटे को मैंने ऐसे बीच में लाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और अब मैं इसे ढककर 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी, मीन्स राइज होने के लिए रख दूंगी। अब शुरू करेंगे इसकी सीख बनाना। तो आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, इसे धोकर साफ किया है और छलनी में लटका के रखा है ताकि इसमें से सारा पानी साफ हो जाए। तो ये पानी साफ होने के लिए मैंने मक्खन लिया है 2 टेबल स्पून, ब्रेड के पीसेस लिए हैं 4 पीसेस लिए हैं, ये नमक स्वादानुसार, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। गरम मसाला मैंने नहीं लिया है। और अब इस ब्रेड के पीसेस को मैं इसमें तोड़कर चॉपर में डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर चलाकर इसका बिल्कुल पाउडर बना लूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे 10 सेकंड चलाया और ये पाउडर बन गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये गोश्त, गोश्त क्या बोनलेस चिकन, और इसे भी 15-20 सेकंड चलाकर उसके साथ में पीस के कीमा कूट जाएगा। तो ये देखिए कीमा और ब्रेड क्रम दोनों मिक्स होकर बहुत अच्छा कीमा डो जैसा तैयार हो गया। अब इसके अंदर डालूंगी मैं इसके बाकी के मसाले और उन्हें भी डालकर मैं इसे 10 सेकंड तक चलाऊंगी, तो सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, और साथ ही डाल दूंगी इसके अंदर मैं मक्खन। मक्खन डालना बहुत जरूरी है इसे सॉफ्ट होने के लिए। पूरा मिक्सी के अंदर पूरा डो बहुत अच्छे से मसाले और हर चीज़ के साथ में मिक्स होके तैयार हो गया है। देखिए मेरे हाथों में चिपक नहीं रहा है और कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। तो वो एक बहुत ही अच्छा डो तैयार हुआ है सीके बनाने के लिए। तो ये देखिए डो तैयार हो गया। अब मैं इसकी सीके बनाऊंगी और इन सीकों को बनाने में बीच में मैं स्लाइसेस डालूंगी चीज के। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें 2-3 और ट्विस्ट हैं। आप सोचेंगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था ये सीके ऐसी बनने वाली है। तो मैंने ले लिया है चीज स्ट्रिप, क्योंकि मैं चीजी सीख बनाने वाली, चीजी सीख बुलेट्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक स्लाइस लिया, उसके 3-4 पीस करूंगी और फिर इन्हें इसके अंदर डाल के बनाऊंगी। मैंने एक बनाकर रखा है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। हाथ में ऑयल लगाया, एक पोर्शन लिया, अपने हिसाब से आप चाहे जितना बड़ा भी पोर्शन ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप लीजिए। मैंने इतना बड़ा लिया है, एक सिंपली नॉर्मल साइज का सीख जो होता है उसके बराबर मैंने लिया है। इसे बीच में ऐसे लंबा करेंगे और बीच में गड्ढा करेंगे और यहां पर मैं डालूंगी वो जो
मैंने स्लाइस को कट करके पीसेस किए थे, उसमें से एक पीस, और उसे इसके अंदर ऐसे डाल के चारों तरफ से कीमे से फोल्ड करके लंबी सी सीख बना देंगे। मींस चीज अंदर पूरी अच्छी तरीके से इंटैक्ट हो जाए, कहीं से खुली ना रहे। वैसे भी इसे जब पकाने चलेंगे तो इसमें से चीज मेल्ट होके बाहर आने ही वाली है पिघल के, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करें कि कहीं से भी चीज दिखाई ना दे, अच्छी तरीके से चारों तरफ से कीमे से कवर हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं सारी सीके बनाकर तैयार कर लूंगी। कुछ इतने कीमे में 18 से 20 सीके बन के तैयार हो जाएंगी। इतनी मैं आपको दिखा रही हूँ, या 8 सीके, क्योंकि ये 8 सीके बुलेट्स बनाने वाली हूँ, बाकी सीके मैं सीक के शक्ल में सर्व करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये 8 बनानी है तो सिर्फ आप 250 ग्राम कीमा लें। पैन मैंने गर्म किया, थोड़ा सा तेल डाला और उसके अंदर इन सीकों को देखिए डाल दिया है मैंने फ्राई होने के लिए, क्योंकि मैं इन सीकों को फ्राई करके ही बनाने वाली हूँ। लेकिन उसका बहुत अच्छा ट्विस्ट है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, और ये बहुत जबरदस्त सी डिश है, तो आप बिल्कुल मिस ना करें इसे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप सब लोग पूरा पूरा वीडियो देखें और इससे फायदा उठाएं, न्यू न्यू डिशेस का फायदा उठाएं। तो ये देखिए 18 से 20 सीके बन गई हैं, और मैंने सारी सीकों को एक जगह रखा है, कटोरी रखी है, एक कोयले को साइड में जला लिया है, और अब इस कोयले को इस कटोरी में डालकर इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा सा बटर, और इसका धुआं दूंगी इस सीक को, और ये चीजें सीके बहुत जबरदस्त टेस्ट देने वाली हैं। ये देखिए धुआं उठना शुरू हो गया बटर का, तो अब मैं इसे ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। और ये देखिए 2 मिनट कंप्लीट हो गए, और ये धुआं जो है अच्छी तरीके से चीजों में सीकों में एब्जॉर्ब हो गया है, और बहुत जबरदस्त सीक की, एकदम स्मोकी सीक की खुशबू आना शुरू हो गई है। इतनी देर में 1 घंटा भी कंप्लीट हो गया है, और ये आटा भी अच्छी तरीके से फूल गया है। तो अब मैं इस आटे से लोइयां बनाऊंगी और इन बुलेट्स को तैयार करूंगी, चीजी सीक बुलेट्स। सूखा आटा लेंगे और इसके अंदर अब इसे इस तरीके से मलेंगे। सूखे आटे से मलने से ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि वो जब फूल जाता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उसे ऐसे कंट्रोल में लेने के लिए थोड़ा सूखा आटा लगा के, और बिल्कुल बहुत अच्छे नान वाला आटा तैयार हुआ है, डो तैयार हुआ है। तो इसे सूखे आटे से ऐसे लपेट के मल के पूरा अच्छा तैयार कर देंगे, एक गोला बनाएंगे और इसके 8 पीस करेंगे, क्योंकि मुझे 8 बुलेट्स बनानी है इसकी। तो देखिए सूखा मैदा लगा लगा कर मल देने से ये जो डो है ये बहुत अच्छा गोला बन गया, और एकदम अब वो कंट्रोल में है। और अब इसकी मैं गोला मैंने बनाया और इसके 8 पीस कर दूंगी, ऐसे बराबर बराबर 8 पीस। अब इन एक एक पीसेस को इस तरीके से लोइयां बना दूंगी। हाथों में सूखा आटा लगाकर ही लोइयां बनाए तो बहुत अच्छी लोइयां बन जाएंगी, पर इतना ना हो कि बस। अब ये देखिए सारी लोइयां बन गई। अब मैं इन लोइयों को साइड में रखूंगी और एक एक लोई के एक एक बुलेट बनाती जाऊंगी। सूखा आटा लिया, लोई के ऊपर भी सूखा आटा लगाया, और अब इसे बेल दूंगी मैं, छोटी सी पूरी के बराबर बेलूंगी, इतना बड़ा बेलूंगी कि एक चीज की स्लाइस इसके अंदर पूरी तरीके से कवर हो जाए, इतना बड़ा। तो ये देखिए इतनी बड़ी पूरी बेली मैंने, एकदम फूला हुआ फ्लफी सा डो तैयार हुआ है, और ये लोइयां भी एकदम फ्लफी बनी है। तो इस पूरी के ऊपर मैंने एक स्लाइस को रखा चीज की, और इसके ऊपर एक सीक को रखा, इसके अंदर कोई सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याजें, शिमला मिर्चें, टमाटरें कुछ नहीं डालने वाली हूँ। अगर वो सारी चीजें डालूंगी तो सीक और चीज का टेस्ट मुंह में खाने वक्त नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा इंटेंशन है चीज और सीक का अच्छा टेस्ट मुंह में आए, इसके लिए इन बॉम्ब्स को बनाने का। तो इस तरीके से मैंने लपेटा कि सीक जो है वो पूरी
चीज के अंदर लिपट गई है और डोक से मैंने इसे पूरा कवर कर दिया है पूरी से, और इसे दबा दिया मैंने, एकदम दबा कर अच्छे से स्टिकिंग कर दी है और साइडों से भी इसे पैक कर दिया है। तो वो सीक और वो चीज की स्लाइस सब अंदर इंटैक्ट हो गई है, ऊपर से वो डोक की रोटी आ गई है। ये मैंने बना लिए हैं, अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। ऑयल को पूरा तेज गरम किया और उसके बाद मैंने स्लो कर दिया है आंच को, और अब उसके अंदर मैं इसे स्लो आंच के ऊपर फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ये डो पूरा फर्मेंट हुआ है यीस्ट के साथ में, तो ये एकदम अच्छे से फूल जाने वाला है, एकदम पफी सा फूल जाने वाला है। तो ये देखिए, ये बॉम्ब्स, ये बुलेट्स कितने मोटे मोटे हो गए। मैं इन्हें बॉम्ब्स नहीं कहूंगी, मैं इन्हें बुलेट्स कहूंगी, क्योंकि मैंने इसे जिस शेप में बनाया है, जब ये पक के तैयार होंगे तो ये बुलेट्स की शेप में आएंगे। तो ये देखिए बुलेट्स, इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे स्लो आंच के ऊपर, इन्हें निकाल लेंगे और अपनी मनचाही डिप्स के साथ में इसे सर्व करेंगे। हरी चटनी भी यूज कर सकते हैं, केचप भी यूज कर सकते हैं, और अगर मेयोनीज के डिप्स बनाना चाहें तो वो डिप्स बनाकर भी उनके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के डिप्स बनाइए और इन्हें खाइए इसके साथ में। तो मैंने बनाए हैं इतने सारे, आधा किलो चिकन के सीके, जिसमें से 8 मैंने बुलेट्स बना दी है, और बाकी सीकों को मैं एज सीक की शक्ल में अफ्तार पे सर्व करने जा रही हूँ। आप इन्हें ईद स्पेशल भी कह सकते हैं, आप इन्हें रमजान स्पेशल भी कह सकते हैं। रमजान में भी इसका मजा ले सकते हैं और ईद में अपने मेहमानों को इसका मजा दे सकते हैं खिला के। ईद में भी बहुत अच्छा मजा आएगा जब आपके मेहमान इन्हें खाएंगे, पहली बार ये खाएंगे मेहमान आपके। और ये रेसिपी YouTube के ऊपर पहली बार आई है मेरी तरफ से, आप सबके लिए ईद का बहुत बड़ा सा तोहफा है। ईद की तैयारियां ऐसे कीजिए कि सभी खुश हों। और इन्हें देखिए, लाइट गोल्डन फ्राई हो गए, मैं इन्हें निकालू, आप इन्हें बेक करके भी बना सकते हैं। इन्हें मैं निकाल लूंगी ऑयल में से और इन्हें मैं सर्व करूंगी मेयोनीज डिप्स और टमेटो केचप के साथ में। ये देखिए, मैंने मेयोनीज के साथ में इसे सर्व किया है, बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी। तो वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, अल्लाह हाफिज़।